तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख लिए थे? हम लोग पढ़ना शुरू किए थे क्या? हम लोग पढ़ना शुरू किए थे आर्टिकल्स। क्या पढ़ना शुरू किए थे? और आर्टिकल्स पढ़ने के समय में हमको ये पता चला कि आर्टिकल्स पढ़ने से पहले क्या जानना जरूरी है? नाउन को जानना जरूरी है। तो नाउन में हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए? तो हम लोग पहले डिस्कस किए कि नाउन के बारे में हम लोग जाने, ठीक है भाई? उसके बाद हम लोग नाउन में क्या क्या डिस्कस किए एक बार ब्रीफली उसको रिमाइंड करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे क्या चीज? डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, ठीक है भाई? और इसका हम लोग कुछ यूजेस भी देखे थे, एग्जांपल्स भी देखे थे, और उस पर कुछ हम लोग वर्कआउट भी किए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या देखे? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। देखो भाई, ये जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर है, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग क्या देख चुके थे? प्रॉपर एंड कॉमन के बीच में देख चुके थे, और कॉमन और कलेक्टिव के बीच में भी देख चुके थे, ठीक है? और इससे रिलेटेड बहुत सारा एक्सरसाइजेस भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के स्लाइड में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे किसके किसके बीच में? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में, ठीक है भाई? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बीच में, ठीक है? तो नाउन का जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, ठीक है? इससे प्रीवियस जो भी था उसको देख चुके थे, क्लासिफिकेशन वगैरह भी पहले देख चुके थे। तो आज हम लोग जानेंगे बेसिकली काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इनका यूजेस क्या है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल जानने के बाद पता चलेगा कि आर्टिकल्स को कैसे ये बहुत ढंग से अफेक्ट करता है, ठीक है भाई? तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा काउंटेबल नाउन, ठीक है? तो काउंटेबल क्या है भाई? काउंटेबल जो है वो नेम से ही क्लियर है, क्या है? काउंटेबल मतलब दैट कैन बी काउंटेड, है ना? अगर एप्पल है हमारे पास तो एप्पल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर एक बास्केट है, बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स है, तो अगर हमको कोई बोले कि इसको प्लीज काउंट कर दीजिए, तो हम लोग उसको थोड़ा समय दे करके काउंट कर सकते हैं ना, और बता देंगे इसमें कितना नंबर ऑफ एप्पल्स है, 10 है, 20 है, 30 है, जो भी है वो बता देंगे, ठीक है? एक आदमी के पास जो है एक बैग जो है राइस था, अगर वो बोलेगा कि अगर उसका एप्पल आप काउंट कर दिए हैं तो प्लीज मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, राइस को काउंट कर दीजिए, क्या करोगे? हाँ, जब लोग जोश में आ जाएंगे और राइस को काउंटिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा करेंगे क्या? क्या करेंगे? कहेंगे भाई साहब गलत दिशा में जा रहे हैं आप, ठीक है? ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नहीं, बगल में एक मिल्क मैन आएगा, बोलेगा थोड़ा मेरा मिल्क को भी काउंट कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे भाई साहब ये थोड़ा ग्रामर पढ़िए, है ना? क्यों? ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है भाई, हम लोग किसको काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन को। उसको बोलेंगे आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कोई नाउन हो जो काउंटेबल हो, उसको लाइए, है ना? फिर हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, ओके? तो काउंटेबल अनकाउंटेबल अंतर समझ में आ गया? काउंटेबल मतलब जिस पर काउंटिंग करने में मेहनत किया जा सकता है, अनकाउंटेबल मतलब जिसे काउंटिंग करने में मेहनत करना व्यर्थ है। नहीं, अगर तुमको बोलेगा अपने माथे का बाल गिनती करो, है ना, अगर गिनती के बाल नहीं है तो गिनती नहीं किया जा सकता। समझ गए बात को? समझ गए भाई? तो अब है कि काउंटेबल नाउन जो होता है ना, अब अनकाउंटेबल है। देखो दो कॉन्सेप्ट आता है, सिंगुलर और प्लूरल का आता है। क्या आता है? सिंगुलर का और प्लूरल का आता है। अब देखो भाई, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर का मतलब हो गया सिंगल, सिंगल माने वन, है ना? प्लूरल का मतलब हो गया मेनी, है ना, या फिर मोर देन वन, है ना, या फिर क्या मतलब हो गया? मोर देन वन। समझ बताइए, आप ध्यान देना कि चाहे सिंगल हो, चाहे मेनी हो, चाहे वन हो, चाहे मोर देन वन हो, इस दोनों ही केस के लिए काउंटिंग तो जरूरी है ना। बिना काउंटिंग के कैसे समझोगे वेदर इट इज सिंगल और मेनी? समझेंगे क्या? बिना काउंटिंग कैसे समझेंगे वेदर इट इज वन और मोर देन? समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर नाउन सिंगुलर है चाहे प्लुरल है, इसका मतलब क्या है? वो क्या होगा?
काउंटेबल होगा, समझ गए। यानी अगर नाउन काउंटेबल नहीं है तो वो सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है। अगर सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी है, इसका मतलब नाउन क्या है, क्या है नाउन, इसका मतलब काउंटेबल है, इसका मतलब नाउन क्या है, काउंटेबल, इसका मतलब नाउन क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ गए। सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, एटलीस्ट काउंटेबल तो होगा ही होगा, क्लियर हो गया। अगर कहीं सिंगुलर नाउन लिखा तो समझ जाएंगे काउंटेबल है, नहीं काउंटिंग किया तो पता है सिंगुलर है कि प्लूरल। तो मैं लिखूं कुछ एग्जांपल, बताओगे क्या है। चलिए भाई तो लिखिए, बताइए यहाँ। अगर ऐसा लिखा हूं एप्पल्स, क्या है ये काउंटेबल, हाँ और प्लूरल भी है, एस और एस लगा हुआ है, नहीं। चलो भाई अच्छा, ऐसे कोई भी फ्रूट्स का नेम हो जाएगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो यहाँ लिखा हुआ है चेयर, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल, चेयर नंबर ऑफ चेयर्स काउंट कर सकते हैं भाई, ऐसा हम लोग का तो है संभव क्या। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है अनकाउंटेबल है, क्यों, हमारे बस के बाहर की बात, काउंटिंग कर सकते हो क्या। अगर ऐसा तुमको अब नाउन मिले तो क्या हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बता सकते हैं। तो देखिए भाई पहला है यही चीज, दूसरा है कि पता करना कि वो चीज अगर अनकाउंटेबल है तो क्यों है ना। एक बार समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। जैसे ये क्या है, टाइड्स है, क्या है, टाइड्स है, तो टाइड्स को क्या काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं क्या, कैपिटल एंड कैपिटल हो, है ना, नहीं कर सकते हैं। तो टाइड्स क्या हो गया भाई, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्मोक है ना, स्मोक को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, आंसर अगर नो आ गया तो क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको देखो, काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अगर आंसर फिर से आता है हमारा नो, इसका मतलब क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया, है ना, ठीक है भाई। क्या ये क्लाउड जो है वो काउंटेबल है, तो ये भी आंसर क्या आएगा, नो, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये टी, टी क्या काउंटेबल है, नो, टी काउंटेबल नहीं है, लेकिन ये कप काउंटेबल है, प्लेट, स्पून, केटली, ये सारा चीज काउंटेबल है, लेकिन टी क्या है, अनकाउंटेबल है। डिफरेंसेस क्लियर हो रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या है, ब्रेड, देखो भाई ब्रेड के बारे में थोड़ा तुम्हें सस्पिशन होगा कि इसको तो काउंट कर सकते हैं, अगर तुम काउंट कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लोब्स ऑफ ब्रेड, क्या लिखते हैं, लोब्स ऑफ ब्रेड, है ना। लेकिन ब्रेड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहां पर है डिफरेंट ये क्या है, हाँ ब्रेड को कैसे यूज करेंगे, ब्रेड को कैसे यूज करेंगे, कहाँ, किचन में, कहाँ, ग्रामर में, ठीक है। तो अरे वाह ठीक है भाई, तो हाँ ज्यादा ध्यान देना है भाई थोड़ा। ये जो है, जैसा ब्रेड जो है ये अनकाउंटेबल है, उसी तरह से मटन जो है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, ये भी काउंटेबल नहीं है। उसी तरह से चीज जो है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, समझ गए बात को, क्लियर हो गया। हम जाते हैं अगर दुकान, तो दुकानदार को ये नहीं बोलते हैं कि भाई साहब चार मटन दे दी, ऐसा बोलते हैं क्या, बोलते हैं केजी में बात करते हैं, ऐसे कोई पीस में बात करता है कि चार मटन दे दीजिए, पांच मटन दे दीजिए, ऐसा अगर बोल दोगे ना तो शक की निगाह तब देखने लगेगा वो,
है ना, कि कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया इसके साथ, क्या समझे। चलिए भाई आगे देखिए, ब्रेड के बारे में अगर थोड़ा डिटेल करना चाहें हम लोग, तो ब्रेड के बारे में डिटेल ये है कि ब्रेड है अनकाउंटेबल नाउन, और अगर ब्रेड के बारे में हम लोग डिटेल करें तो ब्रेड को काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्लाइसेस यूज करते हैं। लोग क्या लिखते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, क्या लिख सकते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, या नहीं लोव्स ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, ऐसा लिख सकते हैं ठीक है, लेकिन दिमाग में हमेशा फिक्स कर लो इसको परमानेंटली कि ब्रेड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये हाईली कंसिडर्ड चीज है। समझ के बात को आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है, इस तरह का जो हमारे पास ग्रेन्स है, सीरियल्स है, इसको क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दिन भर भी टाइम देंगे फिर भी बस की बात नहीं है, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, ये भी अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, किसी तरह का कोई फ्लूइड है, ये क्या है, मिल्क है, काउंटेबल है क्या, नहीं भाई साहब, ये भी हाँ अनकाउंटेबल है। इसी तरह से अगर मिल्क अनकाउंटेबल है तो वाटर क्या होगा, वेरी नाइस। इसी तरह से अगर हमको पूछे कोई कि केरोसिन ऑयल क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा, वेरी नाइस, एयर क्या होगा, बहुत अच्छे, यानी कोई भी फ्लूइड जो है ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब इसको बताने की जरूरत है क्या, यानी कोई भी इस तरह का जो फ्लूइड है वो सारा का सारा किधर आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक है भाई, तो अब हमेशा ध्यान देना कि अगर काउंटेबल, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई, अगर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन लगेगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए और एन तो आप लगा ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया, तो सीधा तुम्हारे अंदर एक डिस्टिंक्ट फिल्ट्रेशन मिलेगा तुमको। लेकिन अगर तुम्हें मैं बता दिया कि भाई काउंटेबल में ए और एन लगता है, अनकाउंटेबल में ए और एन नहीं लगता है, ऐसा मैं बता दिया, और तुम्हें क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल ही नहीं पता, तो फिर आर्टिकल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ के बात को आगे देखिए, इस तरह के जितना भी इमोशंस होता है, जैसे लव है, एटर्ड है, एंगर है, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल, इसको काउंट कर सकते हैं क्या, तो काउंटिंग करने का तरीका क्या है, अगर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको जानने के लिए क्या चीज है, काउंटेबल जो है या अनकाउंटेबल है, क्या है, हाँ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग जाते हैं किसके पास, नाउन के पास, और नाउन से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, हाउ मैनी, क्या पूछते हैं, हाउ आर यू, हाउ मैनी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाउ मैनी, अगर आंसर कुछ भी दे देता है वो, तो वो क्या हो जाएगा, अगर आंसर बोलता है भाई माफ कीजिए, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जैसा एग्जाम्पल अगर हम लोग मिल्क के पास जाए और उससे पूछे हाउ मैनी, वो क्या होगा, तुम्हारी शक्ल देखने लगेगा, है ना, क्या पूछ रहे हो, ठीक हो ना, तो इसका मतलब क्या है वो, अनकाउंटेबल। हम लोग जाते हैं एप्पल्स के पास, अगर पूछते हैं हाउ मेनी, तो वो शक्ल नहीं देखेगा तुम्हारे पास, बताएगा कि हाउ मेनी, है ना, 10, 20, 31, 35 ऐसा बताएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तुम गए राइस के पास, पूछे हाउ मेनी, क्या करेगा, फिर तुम्हारी शक्ल देखने लगेगा, है ना, तो ऐसा कंडीशन आ गया, इसका मतलब नाउन क्या बता रहा है कि मैं क्या हूं, मैं गिनने योग्य नहीं हूं, है ना, क्या समझे ना भाई, आगे बढ़े। ऐसा ही जितना भी इमोशन होता है, अगर उसको पूछे हम लोग हाउ मेनी, एक मदर जो है अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, सर मैं पूछूं हाउ मेनी, आंसर कुछ आएगा क्या, मदर और बच्चा दोनों मेरी तरफ देखने लगेगा, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, मामला अनकाउंटेबल का, क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। देखिए भाई, मोस्ट कंफ्यूजिंग फर्नीचर, फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको ध्यान रखना, क्यों होता है इसको भी थोड़ा समझ जाएंगे, क्यों होता है, फर्नीचर का जो है ना एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, फर्नीचर कुछ वॉल में भी फिक्स हो सकता है ना, चेयर हो सकता है, चेयर में ड्रॉवर हो सकता है, टेबल हो सकता है,
है ना, बेड के बगल में हो सकता है टेबल, है ना, साइड टेबल जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है, तुम्हारे किचन में रेक होता है, किचन सेल्स बनता है, कैसे बताएंगे कि फर्नीचर कितना है? काउंटिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते है ना, फर्नीचर को इसीलिए काउंटिंग नहीं कह सकता है क्योंकि इस तरह का जितना भी आइटम तुम्हारे घर में है सबको किधर बोलते हैं लोग? फर्नीचर ही बोलते हैं। इसीलिए फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल है। फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल है। फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं, समझ गए बात को? क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूं। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया जिसका काउंटिंग करना अगर तुम शुरू करो तुम्हें लगेगा कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का। जैसा टी है, शुगर है, वाटर एयर है, राइस, यू कैन काउंट योर नॉलेज और नॉट? नो, है ना। ब्यूटी? नो। एंगर? ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्यूटी उसका काउंटिंग कर सकते हैं? तुम ये बोल सकते हो कि बहुत सुंदर है कोई और कोई बहुत, है ना, अगली है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि वो हाउ मेनी का आंसर नहीं दे सकता है वो। हाउ मेनी क्या क्वेश्चन पूछना है हमको? हमको क्वेश्चन क्या पूछना है? हमको क्वेश्चन पूछना है हाउ मेनी। अगर हाउ मेनी का आंसर है तो ठीक है, और हाउ मेनी का आंसर अगर नहीं है तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारा है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे क्या था? मनी, है ना। जैसे एक था ब्रेड, ब्रेड को हम लोग देखे। ऐसा ही जो भी है, फर्नीचर भी है, इसको भी देखेंगे, है ना। तो समझ गए, लगेज जैसे है, देखना ध्यान देना, ये लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब तुम्हें लगेगा सर लगेज को तो काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फाइव लगेज है, सिक्स लगेज से काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो लगेज को काउंट क्यों नहीं कर सकते हैं इसको समझना है। जब तुम्हारा लगेज होता है ना तो उसमें हो सकता है डिफरेंट आइटम्स, है ना। डिफरेंट आइटम्स मतलब लगेज में कोई छोटा भी बैग हो सकता है, तुम्हारा हैंड बैग भी हो सकता है, बड़ा एक अटैची अटैचा हो सकता है, अटैची का बड़ा भाई जो होता है अटैचा, तुम्हारे पास कोई बैग हो सकता है, कोई बोड़ा हो सकता है, नहीं ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है। तो हम ये नहीं बता सकते, तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना सूटकेस है, तुम्हारे पास कितना अटैचा, ये बता सकते हो, कितना बैग है ये बता सकते हो। ये सब इंडिविजुअली क्या हो गया? काउंटेबल ना हो। लेकिन जो लगेज है ये क्या है? अनकाउंटेबल। समझ गए? सिमिलरली फर्नीचर के केस में भी इंडिविजुअल, जैसे चेयर है, चेयर को काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल ना हो। टेबल्स को काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल ना हो। लेकिन फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल ना हो। समझ गए बात को? यस, ये वो चीज है जिसे देखकर सबको अच्छा लगता है, तुम्हारे पास नहीं दूसरे के पास भी देख के अच्छा ही लगता है ना, नहीं अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसको समझेंगे, मनी और क्वाइन में डिफरेंस। ये क्या है? ये है क्वाइन। ये क्या है? क्वाइन। और मनी भी है, यानी मनी जो है वो क्वाइन भी है और क्वाइन जो है वो मनी है। समझ गए बात को? दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? अभी समझ में आएगा। ये क्या है? क्या है ये? करेंसी नोट्स है। क्या है? बस सर इतना दे दीजिए, उसके बाद क्या ही करेंगे पढ़ के, क्या लाइफ रिलैक्स हो जाएगी, देख लो बस अभी, है ना। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास भी आ सकता है ना। नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो रहेगा अभी तो चला जाएगा। इसीलिए ये नहीं खुश होना है कि दे दीजिएगा सर तो फिर पढ़ के क्या करना, क्या समझे? इसको होल्ड करना मुश्किल है अगर तुम ढंग से पढ़ते नहीं, और अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये पास में आ सकता। ये क्या है भाई? ये क्या है? मनी है। क्या ये करेंसी नोट्स है? क्या ये क्वाइन है? लेकिन ये मनी है या नहीं है? यहीं पर डिफरेंस समझ में आएगा तुम्हें। करेंसी नोट्स जो है वो मनी है, क्वाइन जो है वो मनी है, ये सब जो है ये सब भी क्या है? मनी है। लेकिन ये जो है ये क्वाइन नहीं है, ये जो है ये करेंसी नोट्स नहीं है। समझ गए बात को? तो मनी जो है ना इसको काउंट नहीं कर सकते। इसको काउंट कर सकते हो क्या? नहीं काउंट करते। वी कैन काउंट करेंसी नोट्स, तो करेंसी नोट्स काउंटेबल हो गया। वी कैन काउंट क्वाइंस, तो क्वाइंस क्या हो गया? काउंटेबल ना हो गया। बट वी कैन नॉट काउंट
मनी है ना, एक आदमी के पास कितना रुपया है, कितना करेंसी नोट है इसको काउंट कर सकते हैं, एक आदमी के पास कितना कॉइन है काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी के पास कितना मनी है, मनी भाई कितना है उसके पास, ये काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मनी जो है वो डिफरेंट तरीके का हो सकता है, हो सकता है उसके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है उसके पास कुछ जमीन जायदाद हो, कैसे काउंट करोगे उसको, कर सकते हैं क्या? उसके पास मान लो इस तरह के कुछ गोल्ड्स है ना, कुछ ऐसा है और भी है ना, तो जो कि काफी प्रीसियस स्टोन्स है, सब वो काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मनी को क्या करते हैं हम लोग, मनी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल बोलते हैं। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो बोलिए, और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, समझ गए, आगे बढ़ता हूं। तो अभी कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स यहां लिस्ट किया हूं, और तुम्हारा दिमाग में इसके अलावा कुछ आ रहा है तो बताओ। जैसे एक है सुगर, एविडेंस, सेफ्टी रिसर्च, एयर, मनी, मंकी मत पढ़ लेना इसको, मनी लिखा हुआ, लव, एंगर, वाटर, फियर, ब्यूटी, नॉलेज, एनर्जी, बहुत अच्छे है। चलिए भाई हम लिखते हैं, एक एनर्जी हो गया, ठीक है, फूड हो गया, ठीक है, क्या हुआ, फूड हो गया और मिनरल, क्या बात है, पूरा ज्योग्राफी में घुस गए हो आज, हाँ साल्ट लीजिए भाई, साल्ट, हाँ स्टार्च, फोर्स, फोर्स, हाँ क्या थी, गिल्टी, गिल्टी खतरनाक सब, हाँ ब्लड, ब्लड, हेल्प, क्या चाहिए और बोले, स्टार्च, स्टार्च, ओ हाँ, और लाइट, साउंड, साउंड, हाँ क्या चीज, फायर, वाह बहुत अच्छे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोगों को अनकाउंटेबल नाउन अब समझ में आ रहा, ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है होने वाली, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब लोग बढ़ेंगे काउंटेबल नाउन की तरफ, ठीक है, काउंटेबल नाउन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, सीधा रिलेशन किससे है, हाँ इसका रिलेशन सीधा है काउंटिंग से, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है जिसके लिए काउंटिंग किया जा सकता है ना, मतलब है काउंटिंग, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए काउंटिंग किया जा सकता है, मतलब जमीन अगर बंजर है तो उसमें खेती नहीं किया जा सकती, अगर जमीन फर्टाइल है तो उसका मतलब उसमें, हाँ उसी तरह से ये है काउंटेबल नाउन रहेगा तभी तो काउंटिंग कर सकते हैं भाई, क्या समझे, ये क्या है, बुक्स है क्या, इसको काउंटिंग कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर बुक लाइब्रेरी में जाएं और पूछें हाउ मेनी, क्या आंसर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा है ना, तो अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है, अगर हाउ मेनी पूछ रहा हूं और आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है, काउंटेबल है ना भाई, ये क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया, नहीं, नेक्स्ट, पर्संस, पर्संस क्या काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, पूरा 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है उसको भी काउंटिंग किया जा सकता है, क्या समझे, देश में 5 अरब पॉपुलेशन है उसको भी, देश में मतलब विश्व में, उसको भी काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी पर्संस क्या हो गया, पर्संस क्या हो गया, हाँ क्लास में बच्चे कितने हैं, काउंटेबल है कि नहीं है, है ना, काउंटेबल है भाई, ये क्या है, हाँ ध्यान देना, ये फर्नीचर नहीं है, चेयर है ये, है ना, फर्नीचर भी है ये, लेकिन ये स्पेसिफिक फर्नीचर है, ठीक है, तो ये कौन सा फर्नीचर है भाई, तो चेयर है, तो चेयर काउंटेबल नाउन है, तो चेयर को काउंटिंग कर सकते हैं, तुम जाते हो किसी है ना रेस्टोरेंट, बताते अरे इतना चेयर्स लगा हुआ है, तुम्हारे भोज भात होता है, बताते अरे इतना चेयर्स का इंतजाम है,
सिनेमा हॉल जाते हो देते, इतना सीटिंग कैपेसिटी है उसका, इतना चेयर लगा हुआ, काउंटिंग कर सकते हैं ना इसका मतलब? नहीं कर सकते, कर सकते ठीक है। उसी तरह से टेबल भी काउंटिंग कर सकते हैं, प्लेट भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो प्लेट क्या हो गया और ये ग्लास क्या हो गया, ठीक है भाई, स्पून क्या हो गया, फोर्क क्या हो गया, समझ गए बात को? ये सब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट में, इसमें थोड़ा लोग समझेंगे चेयर टेबल और फर्नीचर के बीच में डिफरेंस। देखिए भाई, ये जितना चीज है ना, ये सब इंक्लूसिवली क्या कहलाता है? फर्नीचर, चाहे हो वार्डरोब हो, है ना, ये सारा का सारा चीज क्या कहला रहा है? फर्नीचर ही कहला रहा है। ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या हो गया? हाँ, ये अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम लोग टेबल की बात करें, चेयर्स की बात करें, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। हम बता सकते हैं कितना टेबल्स लगाओ, है ना, गैर स्टार्ट में बताया अरे यहाँ 10 टेबल्स का अरेंजमेंट है, नहीं चेयर कितना लगाओ तो वो भी काउंटिंग करके बता सकते हैं। इसका मतलब चेयर और टेबल क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, जबकि फर्नीचर क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। एनिमल्स है, एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं क्या? एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं क्या? यस सर, इट इज काउंटेबल। कौन नहीं काउंट कर सकता एनिमल्स को भाई? वहां कितना रेबिट से काउंट नहीं कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं ना। एक फार्मर उसके पास कितना कॉज से काउंट नहीं कर सकते हैं? कितना बफेलो से काउंट नहीं कर सकते? कितना गोट से काउंट नहीं कर सकते? कितना शीप काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? तो एनिमल्स क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। पेन है तुम्हारा, पेन क्या है? काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? ये ज्योमेट्रिकल कोई इंस्ट्रूमेंट है, काउंटेबल है कि नहीं है? सारा काउंट करते हैं, बता सकते हैं 10 पेन है तुम्हारे पास? नहीं। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। क्या हो गया ये? हाँ, थोड़ा सा ठहरना है और सोचना है। एक बार नहीं आज तक कभी काउंटिंग करने का मौका लगा तो आज करके देख लो, अगर लगे कि तुम काउंटिंग कर सकते हो उसको तो काउंटेबल है ना। अगर तुम्हारा हाथ खराब हो जाए कि नहीं भाई नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है क्या? इसमें सोचना क्या? चलिए भाई देखिए, जैसे डॉग है, कैट है, ये क्या एनिमल कैटेगरी में आते हैं? तो एनिमल्स क्या हो गए? काउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह से मनुष्य क्या है? काउंटेबल। हाँ, वी ऑल आर एनिमल्स। मनुष्य भी क्या है? एनिमल्स। बायोलॉजिकली वी ऑल आर एनिमल्स, है ना। ऐसा मत बुरा मान लेना कि नहीं हम लोग कैसे जानवर, मनुष्य कैसे आप जानवर कैसे, है ना। बायोलॉजिकली वी ऑल आर एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड अस, है ना, समझ गए? सबको काउंट कर सकते हैं, एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं और पर्सन को भी काउंट कर सकते हैं। तो मैन, पर्सन, डॉग, कैट, एनिमल जो भी है सब क्या है? काउंटेबल है। बॉटल, बॉक्स, पाइन, नोट, ये ध्यान देना। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन क्वाइन, नोट, डॉलर, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन इंडिविजुअली, ठीक है। अब जैसे अगर काउंटेबल होगा तो उसके साथ क्या होगा? थोड़ा चेंजेस आता है। क्या देखना? माई डॉग इज प्लेइंग, डॉग है, इज लगा, डॉग्स लगा, आर लगा, इसका मतलब क्या है? ये काउंटेबल नाउन है, तभी तो इज आर हो रहा है। इसमें ये इज आर नहीं होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। क्यों? सिंगुलर और प्लुरल का खेल किसमें होता है? अभी जस्ट डिस्कस किया, काउंटेबल में होता है। तो सिंगुलर प्लुरल का खेल होगा तभी ना इज और आर का खेल होगा, क्या डू डज का खेल होगा, समझ गए? अ डॉग इज एन एनिमल, है ना, समझ गए भाई? इसका मतलब क्या है? ये काउंटेबल है। नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ काउंटेबल नाउन्स है, जिसमें बुक है, पेन है, फोन है, चेयर है, प्लेट है, हाउस है, ट्री, कार, एनिमल, लीफ, प्लेनेट, मैन। तुम लोग बताओ अब कुछ अपने तरफ से कुछ काउंटेबल नाउन्स एग्जांपल के तौर पर, जो इसमें लिस्टेड ना हो उसको बताओ। जैसे मैं एक लिख देता हूं यहां पर, हाँ, जैसे एक लिख देता हूं मैं बॉक्स। चलो और बताओ, वॉच, हाँ, और कॉन्टिनेंट। चलिए भाई, कॉन्टिनेंट, कंट्री, कंट्री, स्टेट, स्टेट,
मतलब आप पूरा हो गया, विलेज भी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा, सब समझ लिया, मोहल्ला तक, गली तक, और उसको पूरा पहुंचाओ मत। नोज नोट नोट जैसे नोट नहीं लिखा है, चलो भाई नोट है ना। प्लैनेट को काउंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो प्लैनेट हो गया। हाँ क्या जी, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ? अच्छा लिखा हुआ ही, ठीक है ठीक है ठीक है। और इतना सारा काउंटिंग है भाई, मून को काउंट कर सकते हैं, मून तो एक ही है ना भाई। क्या बिल्डिंग क्या चीज से बना होता है? ब्रिक से बना होता है, ब्रिक को काउंट कर सकते नहीं कर सकते? ब्रिक हो गया है ना। हाँ जैसे टाइल्स है, टाइल्स लगाते हैं ना, टाइल्स को काउंट कर सकते नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और हाँ व्हीकल, व्हीकल को काउंट कर सकते हैं, कोई भी इस तरह से कार बस ट्रक जो भी है। बुक, बुक नहीं लिखा है? लिखा तो है भाई बुक। और बताओ, अब सोचो जरा सा, तुम्हें तुम्हें पहले लग रहा हो अरे काउंटेबल ना होनी तो सब दिख रहा, अनकाउंटेबल नहीं दिख रहा। अभी जब चला तो तुम्हें काउंटेबल ही ज्यादा मिल रहा था, अनकाउंटेबल ही तुम्हें नहीं मिला, अनकाउंटेबल ही ज्यादा मिला, काउंटेबल ही नहीं मिला, है ना। बेंच डेस्क क्या है? काउंटेबल नहीं है। बुक है तुम्हारे पास, पेन है तुम्हारे पास, फोन है तुम्हारे पास, सब काउंटेबल है नहीं है? है नहीं है? क्या हुआ? पेन, पेंसिल, हाँ समझ गए, इरेजर, शार्पनर, बॉक्स। और तो ठीक है भाई, कल का काम रहेगा सब लोगों को 50-50 जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिख कर लाना। कितना कितना? 50 काउंटेबल और 50 अनकाउंटेबल ओनली, है ना। ठीक है तो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन के लिए, बहुत बढ़िया है, ये सेपरेट आइटम्स होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या हो सकता है? सेपरेट आइटम्स होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस पर कुछ एक्सरसाइज, ठीक है, जिससे कि ये चीज हो बहुत ही क्लियर। समझ गए बात को? तो आज के लिए